तो मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस जी मैम। मैम ऑलराइट। अच्छा, हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, एक्चुअली आप लोग कवर कराएंगे, लेकिन गिव मी अ मिनट प्लीज। ऑलराइट। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कशन में कवर किए हैं, एज पर जैसे हम टॉपिक का एक प्रॉपर नाम और उसके बाद उसकी डिस्कशन करते हैं, उसका नहीं किया। तो ये आप लोग, मैंने सोचा था कि एंड पे मैं इसको प्रॉपर ऐसे हेडिंग बना के कवर करूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस तरीके से थोड़ा कर लें। जैसे हम पहले कह रहे हैं कि पहला टॉपिक है लूप थ्रू स्ट्रिंग। जब हमने स्ट्रिंग्स पढ़ी थी तो उसमें ये सब टॉपिक था कि आपने स्ट्रिंग को आइटरेट कैसे करना है या स्ट्रिंग पे लूप कैसे लगाने हैं। तब हमने लूप्स नहीं पढ़े हुए थे, इसलिए हमने ये टॉपिक स्किप कर दिया था। तो आप में से कौन बताएगा कि हम स्ट्रिंग में लूप कैसे लगा सकते हैं? हमने ये पढ़ा है लूप के टॉपिक में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, हमारे कोर्स का नाम, ठीक। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस पे लूप लगाऊं या इसको आइट्रेट करूं। तो हम क्या स्ट्रिंग, पहले आप लोग बताएं क्या स्ट्रिंग आइट्रेबल है, हम इस पे लूप यूज कर सकते हैं? शुमाइला, आपका शायद माइक अनम्यूट हुआ था, पर आपकी आवाज नहीं आई। जी मैम, कर तो सकते हैं हम। फॉर आई इन ए और प्रिंट आई, आई थिंक सो। मेरी वॉइस अच्छा, की आवाज मे कोई बी। बात नहीं। आप सब लोग मुझे एक बात बताएं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पार्टिसिपेंट्स तो वही हैं जो हमेशा होते हैं, कोई न्यू नजर नहीं आ रहा। आप लोगों को क्या हो गया कुछ दिनों से? मतलब ये लास्ट वीक चल रहा है, तो इसलिए आप लोग शायद डिमोटिवेट हो चुके हैं, या पहले से ही आप लोग सोच चुके हैं कि ठीक है सेशन एंड हो चुका है, अब हमें बोलना नहीं है, बस सुन लेना। मैंने कल क्लास मिस कर गया था, इसलिए मैं आज नहीं बोल रहा हूँ। कुछ कल में बोल रहा हाँ नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आपने क्या बोला, सॉरी। मेमोरी। जी हतीम, आपकी आवाज आ रही है पर एक्चुअली क्लियर नहीं है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि लूप्स, हम लोगों को पता है कि स्ट्रिंग आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, उस पे हम लूप चला सकते हैं, यानी उसके हर कैरेक्टर को वन बाय वन हम लोग देख सकते हैं, पिक कर सकते हैं। अगर इसकी तरफ, दूसरी तरफ मैं ये बात करूं कि ए होता हमारे पास, तो यहाँ पे इंटीजर था। क्या इंटीजर या 6, 7, 8, क्या इंटीजर आइटरेबल है? हम इस पे लूप लगा के पहले 6, पहले फिर 7, फिर 8 नहीं ना हाँ ले मैम, सकते? बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि ये आइटरेबल नहीं है। तो आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल, डिक्शनरी। तो हमने स्ट्रिंग पे कैसे लूप लगानी है, और स्ट्रिंग पे लूप लगाने का या स्ट्रिंग को आइटरेट करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे हम फॉर लूप के थ्रू हम हर स्ट्रिंग के करेक्टर को वन बाय वन पकड़ लेते हैं, उसको देखते हैं, वो वैसे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। जैसे फॉर आई
इन इनका कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, और इसके बाद जिस ऑब्जेक्ट पे वो लूप हमने यूज करनी है या ये आइट्रेशन हमने करनी है जिस ऑब्जेक्ट पे, उसका नाम के बाद कॉलन, फिर प्रिंट हमने कर दिया वही वन बाय वन आइटम, अगर हमने सेलेक्ट करना है तो हमने उसको प्रिंट कर दिया। मुझे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। It's taking some time. और एक एक करेक्टर हमारे पास प्रिंट हो गया। आइट्रेशन में हर दफा आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और वो आइट्रेट हो जाएगा। अच्छा, अब हमने कुछ लूप्स में चीजें पढ़ी थी जैसे ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, दोनों का डिफरेंस क्या है? कोई एक पार्टिसिपेंट जल्दी से बता दें। मैम ब्रेक होता था हमारे लूप को रोकने के लिए, कंटिन्यूस होता था जिस लूप में वो कंटिन्यूस है वो स्किप करने के लिए। बिल्कुल, अगर मैं इस तरह से करना चाहती हूँ कि ब्रेक और लूप जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट है वो हम लोग लूप में किस तरह मोस्टली यूज करते हैं, कंडीशन के साथ कि कोई कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो फिर इसको कंटिन्यू कर दो या फिर इसको ब्रेक कर दो। जैसे मैं चाह रही हूँ कि बस पाइथन तक मुझे स्ट्रिंग मिले, उसके बाद ना मिले, तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि if I is equals to empties space, जो फर्स्ट स्पेस आएगी तो उधर तक ही सिर्फ ये आइटरेटर चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। तो फिर क्या करें, ब्रेक कर दें। अब हमारे पास सिर्फ पाइथन आएगा। यही चीज अगर हम लोग इधर एन यूज करते इफ की कंडीशन में तो हमें प्रिंट ऊपर लिखना पड़ता, इसलिए कि हमारे पास पाइथन पूरा लिखा हुआ है। इसमें कोई इश्यू तो नहीं आप लोगों को? कोई सिंटेक्स नया तो नहीं ना लग रहा? नया है नहीं? नो मैम, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट भी है। अगर यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूं इन प्लेस ऑफ ब्रेक तो अब क्या होगा? मैं पाइथन के बगैर बिना स्पेस के फोर्स वो हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सही, और उसके बाद अगर यहाँ पे जब स्पेस आएगी फिर क्या होगा? फिर भी कंटिन्यू होगा ना? आई थिंक फिर भी होगा वो, बिल्कुल, क्योंकि कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। पाइथन फॉर बिगनर्स आ चुके, लिखा हुआ सारा आया हुआ है लेकिन स्पेसेस अंदर स्किप कर दिया क्योंकि हमने कहा कि अगर स्पेस आ गई तो कंटिन्यू कर दो, यानी ये वाली लूप स्किप हो जाए, नेक्स्ट दोबारा से लूप स्टार्ट हो जाए। तो ये थी सिंपल कि हम लोग स्ट्रिंग पे कैसे आइट्रेट करते हैं, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग पे ऊपर कैसे लूप चलाते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वो था लिस्ट, यानी अब हमने ये सारा काम करना है लेकिन लिस्ट पे हम लोग किस तरह से लूप्स को यूज कर सकते हैं, लिस्ट के आइटम्स को वन बाय वन देखने के लिए। और इस पे हमने एक चीज पढ़ी थी कंप्रिहेंशन में, लिस्ट कंप्रिहेंशन में भी हम लोग लूप्स यूज करते हैं। सॉरी, मैम स्ट्रिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी यूज होते हैं? नहीं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिस्ट है, माय लिस्ट, उसमें मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। अब अगर मैं इसको कहूँ कि आपको वन बाय वन जो नंबर्स लूप के थ्रू ले आए, तो अब तो आप लोगों को ये सिंटेक्स याद होना चाहिए कि फॉर लूप के थ्रू हमने किस तरह से आइटरेट करना है ऑन अ लिस्ट। ऐसा ही है,
इस पे हम लोग वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं. आप लोग वाइल लूप के थ्रू इसको इसको मुझे कुछ करके दिखाएं, यानी इसके सारे आइटम्स हमारे पास प्रिंट हो जाएं बट थ्रू वाइल लूप, क्योंकि फॉर तो अभी हमने ऊपर देखा है. क्यों समझ लें कि एक छोटा सा क्विज है, आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करवा रहे हैं. कोई बताना चाहेगा वाइल लूप के थ्रू मैंने इसको कैसे आइटरेट करना है, इसके ऊपर लूप कैसे चलानी है? या आप सब लोग मिलके कोई सिंटेक्स लिखवा दें वाइल का. पहले सिंटेक्स क्या वाइल जी इन माय स्ट्रिंग, वाइल के बाद हम लोग इन माइल्स, वाइल के बाद हम क्या देते हैं, हम कंडीशन देते हैं. इन माय लिस्ट आएगा ना वाइल इन माय लिस्ट, क्या इन माय लिस्ट हम आई थिंक वो फॉर वो लूप वाला करवा रही हैं. हाँ जी हमने फॉर, अच्छा फॉर का सिंटैक्स वाइल से थोड़ा डिफरेंस है, डिफरेंट है. हतीम आप बताना चाहेंगे? जी मैम, वाइल में हम पहले कंडीशन देते हैं, उसके बाद हम अपनी वाइल की जो लूप की बॉडी होती है वो देते हैं, बॉडी, और उसके बाद फिर आइटरेट करते हैं. जी मैम बिल्कुल, इंक्रीमेंट करते हैं. और इसमें कंडीशन क्या बनेगी? मैं हमारी स्टेटमेंट ये है कि हमने माई लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं वो सब वन बाय वन प्रिंट करवाना है. तो वाइल लूप जब तक इसकी कंडीशन ट्रू होगी वो प्रिंट होता रहेगा, उसकी स्टेटमेंट चलती रहेगी. हमने इसको ऐसी कंडीशन देनी है कि जो कंडीशन फॉल्स तब हो जब ये सारे आइटम्स वाइल लूप इन सबसे गो थ्रू हो चुका हो. तो इसलिए हम कहेंगे कि वाइल जो हम अपना पॉइंटर यहाँ पे या फिर आइटरेटर रख रहे हैं, जैसे हम आई यूज करते आ रहे हैं, कि आई जो इस लिस्ट की लेंथ है उससे जब तक छोटा है तब तक ये लूप चलती रहे, ऐसा ही है ना? जी मैम. हम कह देंगे व्हाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ माय लिस्ट. तो फिर क्या करें? प्रिंट कर दें. क्या प्रिंट करें? आई प्रिंट करें? आई आई. अच्छा ठीक है आई, ये भी देख लेते हैं. आई प्रिंट करें और इधर आई इक्वल्स टू वन. अच्छा इसमें थोड़ा एक छोटा सा एरर है. कौन नहीं माइंड करवाएगा? हम वाइल में पहले एक और काम करते होते हैं. हम जो ये लिस्ट के अंदर वाइल लिखेंगे मैम. नहीं माय लिस्ट के अंदर नहीं आएगा, वाइल बाहर ही आता है. नहीं प्रिंट के टाइम यहाँ पे आई की जगह माई लिस्ट लिखूं? स्लाइड नहीं करवाया आई जी. माई लिस्ट और ब्रेसेस डाल के उसके अंदर आई लिख. बिल्कुल इससे ही होता, अगर हम सिर्फ आई से तो वो हमें नंबर देता, क्योंकि आई ने इंडेक्स को कैरी करना. और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, उस इंडेक्स पे जो आइटम है वो हमारे पास आउटपुट में आए. बट स्टिल एक पॉइंट मैं आपसे लोगों से पूछना चाह रही थी, मैं इसको रन करके फिर यहाँ पे एडर आ रहा है. अब इसके एडर की डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोग, मैं चाहूंगी कि आप लोग गैस करें एक बेसिक डिफरेंस जो फॉर लूप और वाइल लूप में था. शुरू शुरू के डिफरेंसेस में उनमें से यह था कि फॉर में हम लोग सिंपली ऐसे चीज स्टार्ट करके सारी लिख लेते थे. हमने लिख दिया फॉर आई इन ए. अब आई क्या है हमने उसको नहीं बताया, पर फॉर लूप को पता है कि अगर ए की बात हो रही है और मेरा काम है आइट्रेशन का, तो आई मुझे आइट्रेटर दिया गया है. लेकिन वाइल को हमने बताना है कि ये जो आई है ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है. इसको पहले एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा. यहाँ पे हमें आई को एक वैल्यू देनी पड़ेगी, जैसे हम इसको हम जीरो कहते हैं, मोस्टली जीरो देते हैं. अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएं, अब ये प्रिंट हो रहा है 535, 98 or 45. Got it? कुछ रिमाइंड हुआ आप लोगों को? yes, समझ आए कि इधर क्या हुआ? All right. जी मैम.
यही अगर हम लोगों ने फॉर लूप के थ्रू करना था तो हमने उसमें क्या करना था, सेम हम लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं. आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल कि आप लोग मुझे आगे सिंटेक्स लिख पाएंगे. फॉर आई इन माई लिस्ट. प्रिंट आई. अब एक और छोटा सा टास्क है, सेम यही काम आप लोग कर दें लिस्ट कम्प्रीहेंशन के थ्रू. उससे ये होगा कि ये जो दो लाइंस में लिखा हुआ है हमने लूप, ये एक लाइन में आ जाएगा. वो अगर आप लोगों को याद हो या आपकी मेमोरी में कहीं हो उसका सिंटेक्स, तो अब वो मुझे लिखवा दें काइंडली. मैम हम कोई वेरिएबल दे देंगे यहाँ पे. वेरिएबल किसके लिए? मैम लिस्ट कंप्रिहेंशन में न्यू वेरिएबल देंगे, उसको इक्वल कर देंगे लिस्ट के अंदर एक्स फॉर एक्स इन न्यू लिस्ट फॉर माई लिस्ट, और फिर हम उसकी कंडीशन दे देंगे नेक्स्ट. X for X in my list. मैम इसको ब्रैकेट में लिखना. और इसके बाद हम इसको प्रिंट कर लेंगे. इसको रन करके देखते हैं. अब देखिए यहाँ पे तो मुझे एक एरर दे रहा है, और आप में से कौन बताना चाहेगा कि ये क्या यहाँ पे एक्चुअली हो रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट्स आनी थी यहाँ पे, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स. अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे. यस मैम. ठीक है, बिल्कुल सही आ गया. और क्योंकि ये क्या चीज है, ये है लिस्ट कंप्रीहेंशन. और लिस्ट कम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि हम लोग एक न्यू लिस्ट बना रहे होते हैं और एक शॉर्ट हैंड स्टेटमेंट यूज कर रहे होते हैं. ठीक. और इसके अलावा एक और टॉपिक मैं चाह रही थी कि आप लोग रिवाइज करवा दें, क्योंकि अब मोस्टली हमारा यही काम है, वो है लूप थ्रू टपल. अब सेम यही काम हम लोगों ने टपल के साथ करना है. जो चीज़ हम लिस्ट के साथ करते आए हैं, स्ट्रिंग के साथ करते आए हैं, हम टपल भी कर सकते हैं. बिल्कुल. कोई टपल अगर हम लोग लिखें, टपल का सिंटेक्स क्या होता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I'm small brackets. Small brackets. Round brackets. राउंड ब्रैकेट में हम कुछ भी लिख देते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ इंटीजर्स लिख दिए, और अब इसके थ्रू अगर मैंने इसको आइट्रेट करना है तो मैं कर सकती हूँ. सेम सिंटैक्स होगा या डिफरेंस तो जाहिर नहीं होगा. मैम अच्छा मेरी आवाज आ रही है अब आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? यस मैम. ओके तो इसमें अब हमने आइट्रेट करवाना है, तो हम किस तरह से फॉर लूप और वाइल लूप दोनों से हम लोग करवा सकते हैं. सिंटेक्स हमारा बिल्कुल सेम होगा जैसे हमने यहाँ पे करवाया लिस्ट में, बस यहाँ पे लिस्ट की जगह हम टपल का नाम लिख देंगे, कोई डिफरेंस भी नहीं होगा.
अगर तो हमने वाइल लूप यूज करना है तो हमारा आइटरेटर क्या पिक करेगा, इंडेक्स पिक करेगा, और उसमें वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए ये सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस आइटरेटर का नाम जो यानी कि बताएगा कि इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें आउटपुट में मिले। फॉर लूप में इस तरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसको अब हम डिटेल में देखें या फिर ओके हो गया? नहीं मैम, क्लियर है। राइट, और ये टॉपिक्स भी कवर हो गए। तो ठीक है, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया जिसको हमने टच करना है, दैट इज फंक्शंस। हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस दो तरह के होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड और दूसरा होता है बिल्ट इन। बिल्ट इन फंक्शंस जो कि पहले से पाइथन में डिफाइंड है, जैसे हम इनपुट का फंक्शन यूज करते आ रहे हैं, हम लोग टाइप कास्टिंग के लिए डिफरेंट फंक्शंस int, int function, str function, इस तरह के कुछ और फंक्शन है जो हमने सोचा कि ये भी आप लोगों को पता होने चाहिए। और यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, अपनी मर्जी से उसका नाम रखते हैं, और उस फंक्शन ने क्या काम करना है ये भी हम लोग डिफाइन करते हैं। निम्रा, आर यू इन द मीटिंग? जी जी, मैं मीटिंग में। आप कंटिन्यू करेंगे? ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके पार्टिसिपेंट्स, ओके हिजाब, आप अपने स्क्रीन पर। मैं स्टॉप कर दूँ शेयरिंग? नो नो, अपनी शेयरिंग रहने दें, मेरे लैपटॉप। ओके ओके, पार्टिसिपेंट्स मैं आप में से पूछूंगी कि हमने अभी तक ना काफी सारे फंक्शंस यूज किए हैं, वो अलग बात है कि हम पढ़ अब रहे हैं, लेकिन आप लोग मुझे बताएं कोई एक फंक्शन आपको याद हो उसकी क्या वर्किंग होती है, या फंक्शन की सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको कैसे पता चलता है कि ये फंक्शन। उसके बाद ब्रेसेस होती हैं? यस, पैरेंथेसिस होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स जिसे हम कहते हैं, या राउंड ब्रैकेट्स। ओके, तो एक स्पेसिफिक नेम, उसके सामने अगर दो अदद ब्रैकेट्स लगी हैं तो हम उसे देख के ना उसके सिंटेक्स को तो कह सकते हैं कि हो सकता है ये एक हमारे पास फंक्शन हो या मेथड हो। ठीक है, अब फंक्शन किस लिए यूज होता है या फंक्शन का रीजन क्या है? तो जैसे कि हमने लेट्स सपोज मैं सॉर्टेड की बात कर लूँ, इंसर्ट की बात कर लूँ, अपेंड, डिफरेंट हमने यूज किया ना अभी तक, तो उनका क्या होता था कि हमने सिंपली लिखा एंड देन वो अपना वर्क परफॉर्म कर देते थे। अब हमारे सामने तो वो सिर्फ एक वर्ड है ना जिसे हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आई डोंट नो 10 lines भी हो सकती हैं, 20 lines भी हो सकती हैं, इतनी lines जो हैं वो कोड की लिखी होंगी कि उसने परफॉर्म क्या करना है, उसने वर्क कैसे करना है, वो किस चीज़ को लेगा, उस पर क्या वर्क करेगा, आउटपुट क्या देगा, मतलब रिटर्न क्या देगा, रिटर्न पे भी हमने बहुत ज़्यादा बात की है। तो ये सारी फंक्शन की कह लें डेफिनेशन उसके बारे में कि वो क्या वर्किंग परफॉर्म करेगा, ये सारी बैकएंड पे मौजूद थी क्योंकि हमने बिल्ट इन यूज़ किए थे। लेकिन इस केस में हम अब देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड क्या होते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बेसिकली लाइन्स ऑफ कोड्स लिखते हैं। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट लाइन लिखी, देन मैंने सेकेंड लाइन लिखी, फिर मैंने थर्ड लाइन लिखी, फोर्थ लाइन लिखी। अब ये ऐसी लाइन्स हैं जो हो सकता है मुझे अपने प्रोग्राम में 10 times, 20 times, लेट्स सपोज 2 or 3 times रन करनी हो। और अब मैं क्या करूँ, एक तो मेथड मेरे पास ये है कि जब जब मुझे ज़रूरत हो ये सारी लाइन्स रिपीट करूँ कि ये भी कर दो, प्रिंट ये कर दो, देन प्लस कर दो, देन सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो और आंसर मुझे ये दो। तो ये तो अब मैं क्या करूँगी, बेवकूफ़ी होगी ना। लेट्स सपोज कि मैंने एक प्रोग्राम लिखना है और मैं उसके अंदर एक ही फंक्शन को 5 times रिपीट कर रही हूँ और मैं 5 times बार बार कोड लिख रही हूँ, एक तो मेरा कोड लेंथ ही होगा, दूसरा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो हम स्मार्ट वर्क करते हैं ऑफकोर्स, तो हम क्या करते हैं कि उन सारी लाइन्स को एक ब्लॉक में रखते हैं, उस ब्लॉक को एक फंक्शन बना देते हैं, कोई भी उसका स्पेसिफिक नेम रखते हैं, एंड देन जहाँ ज़रूरत होती है उस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये जो मैंने फंक्शन बनाया है ये फंक्शन है एडिशन का फंक्शन। ठीक है, ओके, इसमें ये 4 lines है एंड देन मैं इसे कह रही हूँ एडिशन का ये फंक्शन है, तो मैं इसे ऐड का नाम दे रही हूँ एंड देन मैंने ये ब्रेसिस भी लगा दी। अब मुझे ना लेट्स सपोज कोड की 5th line पे ना ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली ऐड लिख दूंगी। जहाँ जहाँ मैं ये ऐड लिखूंगी इसका मतलब फंक्शन कॉल हो रहा है। कॉल होने का क्या मतलब है,
कि इंटरप्रेटर इसे देखने के बाद फौरी वापस जाएगा, इस नाम के फंक्शन को ढूंढेगा कि कहाँ यूजर ने इस नाम का फंक्शन यूज किया था, देन उसकी बॉडी में जाएगा, ये फंक्शन की बॉडी है, और उसमें देखेगा कि यूजर ने क्या क्या बातें लिखी थी। ये वो सारी बातें हैं, बिल्कुल ऐसी है, सपोज हमारे पास एक आदमी है और उसे हमने इस काम के लिए रखा है कि जब आपको कॉल किया जाएगा आपने ना ये बॉल्स यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है, तो हम उसे 5 मिनट बाद कॉल कर लें, 10 मिनट बाद कॉल कर लें, उसे पता है कि मेरी फंक्शनैलिटी क्या है, मैंने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, इसी तरह बिल्कुल फंक्शन होता है, ठीक है। और सारी फंक्शनैलिटी डिफाइन कहाँ होती है, उसकी बॉडी के अंदर। प्लीज मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को फंक्शन समझ आई है कि फंक्शन होता क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें ना हमने, अच्छा इसका सिंटेक्स सबसे बेसिक चीज जो है वो सबसे पहले हम सिंटेक्स देखते हैं। तो सिंटेक्स क्या होता है कि हमने डेफ का कीवर्ड यूज करना होता है, उसके बाद अपने फंक्शन का नेम यूज करना होता है, उसके आगे ऑफकोर्स हमारी जो पैरेंथेसिस आ जाती हैं, एंड देन हमने कॉलन लगाना होता है, फिर इंटेंडेशन का ख्याल रखते हुए हमने वो लाइन्स लिखनी होती हैं जो हम फंक्शन की बॉडी में लिखना चाह रहे हैं। ये वो लाइन्स होंगी जो हम हर दफा एग्जीक्यूट करवाएंगे जब जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अब इसमें सिर्फ हमने एक लाइन लिखी है, एंड देन हमने नीचे कॉल किया फंक्शन को माय फंक्शन एंड देन पैरेंथेसिस, ठीक है, ये जा प्लीज इसे रन कीजिएगा। अब इस केस में तो सिंगल लाइन थी, अब मैं इसे रन करूंगी तो ये मैंने सिंगल टाइम इसे कॉल किया तो मेरे पास हेलो जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। हिजाब आप प्लीज एक लाइन और ऐड कर दें इसमें। के एक दफा इसे रन कर दें प्लीज। दिस टाइम वी हैव टू, ओके सॉरी, लाइन ऑफ कोड्स है हमारे पास टू, तो वो टू जो है वो प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। हिजाब अब एक काम कीजिएगा, माय फंक्शन को जहां आपने कॉल किया उसके बाद ना कोई भी रैंडम टू लाइंस लिखते हैं कोड की, एंड देन माय फंक्शन फिर लिखते हैं एक दफा। और कॉल करने का फंक्शन क्या होता है कि हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि प्रिंट करके एंड देन लिख दें अपने फंक्शन का नाम, इस केस में जैसे कि माय फंक्शन था तो माय फंक्शन लिख दें एंड देन उसके सामने पैरेंथेसिस जो हमने जैसे कि सिंटैक्स में लिखी है वो करके एंड देन इसे हम बंद कर दें, या डायरेक्टली भी वैसे लिख सकते हैं क्योंकि कोलैब डायरेक्टली प्रिंट करवा देगा, ओके। जब जब उसे ये लाइन मिलेगी वो समझ जाएगा कि मुझे माय फंक्शन को प्रिंट करवाना है, और वो ये चेक करेगा कि माय फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, देन वो इस बॉडी के पास चला जाएगा और यहाँ से जो जो लाइन्स हमने उसे कही होंगी एग्जीक्यूट करने को वो करेगा। जा प्लीज इसे एक दफा रन कर दें। ओके, आप लोगों ने देखा कि हमने माय फंक्शन को यहाँ कॉल किया एंड देन हमने कुछ और लाइन्स लिखी, फिर उसके बाद हमने एक दफा फिर माय फंक्शन को कॉल किया, तो आप लोग देखें कि यही दो सेम लाइन्स यहाँ पे प्रिंट हुई, देन वो जो भी हमने और चीजें लिखी थी वो रन हुई, और उसके बाद जब हमने दोबारा इसे कॉल किया तो सेम उसने आउटपुट दी। ये बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे हमने दूसरे फंक्शन देखे थे कि सॉर्ट का फंक्शन हमेशा सॉर्ट करता था, इट डजंट मैटर कि हमने उसे कब कॉल किया कहाँ कॉल किया, उसकी फंक्शनैलिटी सेम रहेगी। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, अच्छा एक और चीज भी होती है, हमारे पास ना पैरामीटर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ फंक्शन है और पैरामीटर्स हम लिखते का हैं, ये जो हमारे पास ब्रेसिस होती है ना, यहाँ हम पैरेंथेसिस कह लें, इसके अंदर अगर कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब हमारे फंक्शन के पास कोई पैरामीटर नहीं है, नो पैरामीटर। इस पे भी वेल हम बहुत बात कर चुके हैं कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम सॉर्ट का फंक्शन लिख रहे होते थे और अगर हम कोई पैरामीटर नहीं देते थे तो एरर आ जाता था, या कुछ ऐसे भी थे कि जिनमें हम पैरामीटर मतलब यहाँ कुछ भी लिख देते थे तो वो एरर दे देता कि यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो सकता इस फंक्शन को, तो आपने पैरामीटर पास कर दिया, दैट्स व्हाई मैं आपको एरर दे रहा हूँ, आप इसे ठीक करें या खत्म करें जो भी है, देन मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। याद है ये एरर सबको? बहुत केसेस में हुआ था, हम कभी कभी क्या करते थे कि एक चीज लिख सकते थे, लेट्स सपोज जैसे कि पॉप की एग्जाम्पल ले लें, तो पॉप में हम एक पैरामीटर पास कर सकते थे, तो हम अगर उसमें से दो पैरामीटर लिख देते थे
तो भी वो हमें एक एरर देता था कि सिंगल आर्गुमेंट वो ले सकता है, सिंगल से ज्यादा नहीं ले सकता। पार्टिसिपेंट्स आपको ये चीज याद है? यस मैम। ओके, अब पता ही क्या होता है, माय फंक्शन लिखा मैंने, उसके अंदर मैंने पैरेंथेसिस के अंदर कोई चीज नहीं दी, इसका मतलब नो पैरामीटर। ये बिल्कुल एक किस्म का खाली फंक्शन है जो कि कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा। तो जब मैंने इसे कॉल भी करना है ना, तो भी मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं देना। आपने इस लाइन पे भी देखा, आपने इस लाइन पे भी देखा कि हमने पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं लिखा। लेकिन इन केस अगर मैं यहाँ लिख दूं माय फंक्शन और एक इसे कह लें कि वैल्यू पास कर दूं या पैरामीटर पास कर दूं ए, तो मुझे जब इसे कॉल करना पड़ेगा ना, तब भी यहाँ कोई ना कोई आर्गुमेंट कह लें या पैरामीटर पास करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इस फंक्शन को और इस फंक्शन को सेम कंसिडर करेगा ही नहीं, वो एरर देगा। हिजाब एक दफा ये कीजिएगा। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि फंक्शन को वो किस बेस पे रिकॉग्नाइज करता है, एक तो ये चीज हो गई कि वो उसके नेम को देखता है, और दूसरी चीज ये कि वो उसमें पास किए जाने वाले नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को देखता है, या कह सकते हैं उनके सीक्वेंस को भी देखता है। ठीक है, ओके हिजाब, आप ऐसे कीजिएगा कि ए ना लिखें एंड देन इसे रन कीजिएगा। ओके, ये मस्ट नहीं है कि यहाँ ए लिखा है तो नीचे भी जो है वो हमने ए ही लिखना है, इस केस में ए है तो नीचे भी ए लिखना है, कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि एक आर्गुमेंट हमने पास करना है, एक चीज हमने लिखनी है वहां पे, मस्ट है। दो चेंजेस की हैं, उससे पार्टिसिपेंट्स को कोई बात समझ आए? डिफरेंट पैरामीटर्स की बात हो रही है, सी लिखा तो एरर क्यों नहीं है? यही बात, जब मैंने सी लिखा तो एरर क्यों दिया, बी लिखा तो एरर नहीं दिया, क्या ए का बी के साथ कोई खास रिलेशन है? नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली जब हम कॉल कर रहे हैं ना फंक्शन को, यहाँ देखें कि हमने इसको दो दफा कॉल किया, डजेंट मैटर कि कॉल करने का पैरामीटर जहाँ पे हमने डिफाइन किया फंक्शन को, उसके पैरामीटर के सेम नाम है या नहीं नाम सेम। अलबत्ता जब हम कॉल कर रहे हैं उसको बार बार निमरा एम आई ट्रू, तो फिर उसके पैरामीटर सेम होना चाहिए। जब ऐसे ऐसा भी नहीं होता, आप ऐसे करिए माय फंक्शन में जो है ना फर्स्ट वाला, वैसे हिजाब प्लीज आप पहले एक दफा इन्हें ना एम्प्टी रन करके दिखा दें, कोई पैरामीटर पास ना करें, मैं वो एरर दिखाना चाह रही हूँ, उसके बाद इस पे बात करते हैं हम। ओके, यहाँ पे आप लोग देखें टाइप एरर आ रहा है नीचे, और वो एरर में लिख रहा है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट ए, मतलब इसमें एक आर्गुमेंट आना था जो कि आपने दिया ही नहीं, दैट्स व्हाई वो एरर दे रहा है। तो ये क्लियर है सबको? कि मैम इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने फंक्शन डिफाइन किया विद आर्गुमेंट ए, लेकिन हम उसको कॉल कर रहे हैं एम्प्टी ब्रैकेट्स के साथ विद नो आर्गुमेंट। बिल्कुल ऐसा, इन केस जी बिल्कुल, इन केस ऐसा होता ना कि हमने एक फंक्शन तो एक फंक्शन तो लिखा है ना ऐसा माय फंक्शन के नाम से, और उसके अंदर ए आर्गुमेंट पास किया है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक और फंक्शन होता डेफ माय फंक्शन के नाम से, लेकिन वो ऐसा फंक्शन होता जिसका कोई पैरामीटर नहीं है, तो उस केस में ना इस लाइन पे एरर नहीं आना था, जब मैंने ये लिखना था ना तो उसने इस फंक्शन के पास चले जाना था। A function with the same name as well as same number of arguments or parameters, उस function के पास जाना था। इस बात की समझ है सबको? Please ये बताइएगा पहले। Function सिर्फ अपने नाम से ही recognize नहीं होता, बल्कि अपने parameter, number of parameters और उनका sequence। Okay। मैम जब हमने पहले MATLAB में पढ़े थे ना, तो वहां पर हमें इनपुट आर्गुमेंट्स और आउटपुट आर्गुमेंट्स देने पड़ते थे कि जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं उसकी इनपुट क्या होगी और आउटपुट क्या होगी। तो यहाँ पर बस सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करना होता है, इनपुट और आउटपुट का कोई
ओके लेट्स सपोज हमने ना एक कैलकुलेशन करनी है, आपको मैं यहाँ एग्जांपल देती हूँ. हिजाब आप वैसे करें, डेफ माई फंक्शन में ए लिख दें, कॉमा लगा के बी लिख दें, और उसके बाद ना आप नीचे लिख दीजिएगा सी इज इक्वल टू, फंक्शन की बॉडी में ना सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. ओके और एक काम कीजिएगा, नीचे जो आपने माय फंक्शन लिखा है ना फर्स्ट टाइम, उसके अंदर पास कर दें 2, 3 और नीचे वाले को कमेंट आउट कर दें अभी के लिए. अच्छा मैं यहाँ पे ना एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, एक दफा हिजाब ये रन कर लेना फिर मैं आपको बताती हूँ. नीचे आप ये भी कमेंट आउट कर दें प्रिंट ए बी वाला. और सी को प्रिंट भी करवा लें, बेशक बॉडी के फंक्शन की बॉडी के अंदर करवा लें या बाहर करवा लें आपकी मर्जी. ओके यहीं करवा लें. ओके अच्छा आप में से कोई बताएगा कि ये जो सी में एक रिजल्ट आया है वो कौन सा रिजल्ट है, वो क्या चीज है? वो आउटपुट है ना मैम हमारी, इनपुट हमने उसको ए और बी दिए हैं. ओके मैंने ए बी तो वैल्यू कहीं पास ही नहीं की, ए बी को कोई वैल्यू पास ही नहीं की. मैंने लिखा कि a इज इक्वल टू 2 होगा, जो कॉलिंग में b इज इक्वल टू 3 होगा, मैंने कहीं लिखा है ऐसा कुछ? आई थिंक कॉल किया है पीछे से मेरे ख्याल से, कॉल किया है विद आर्गुमेंट किसी ब्लॉक में. ओके मैं आपको थोड़ा सा ऐड करती हूँ इसमें कि ये इसकी वर्किंग कैसे होती है. अब हुआ क्या, हमने एक फंक्शन बनाया था विद 2 पैरामीटर्स, उसने क्या वर्क किया, जब हमने उसे कॉल किया ना सबसे पहले उसने चेक किया कि इसका नेम क्या है, देन उसने चेक किया कि पैरामीटर्स को वैल्यू क्या पास किया. अब पता क्या है, ये जो वैल्यूज है ना, मतलब 2 जो आ रहा है वो फर्स्ट आर्गुमेंट को पास हो जाएगी, उसमें स्टोर हो जाएगी. ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं लिखूं a इज इक्वल टू 2, एंड जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड वाले कह लें पैरामीटर को पास हो जाएगी और b बराबर हो जाएगा, ठीक है? और वो इन दो कह लें के वैल्यूज को लेके इन पे नेक्स्ट वर्किंग करेगा. लेट्स सपोज हिजाब इससे नीचे लिखें, आप दोबारा नीचे जो आपने लिखा हुआ है ना माय फंक्शन उसके अंदर लिख दें 7 और 8 लिख दें. आप में से कोई बताएगा कि अब क्या होगा? 7 और 8 प्लस हो जाएंगे और आउटपुट क्या आएगी हमारे पास? 15 आएगा. 15 ओके जाब रन करते हैं. आपको समझ आई? Yes, ma'am. निम्रा आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा यहाँ पे आप लोगों को बेसिक समझ आ गई कि पैरामीटर्स में या आर्गुमेंट्स का एक्चुअली क्या काम होता है. हमने डिफाइन तो कर दिया है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बॉडी के बाहर लिखे हैं तो डिफरेंट रिएक्ट करेगा. अगर c equals to a plus b हम फंक्शन की बॉडी के बाहर लिखें. अच्छा वैसे फंक्शन में वही प्रिंट होता है जो फंक्शन की बॉडी में होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अगर लिखते हैं इंडेंटेशन के बगैर तो फिर इसका मतलब है कि हमने बॉडी के बाहर लिखा. अब हम इसको कॉल करके देखते हैं. एक मिनट मैं ये एनोटेशन रिमूव कर दूं. अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक सोल्यूशन आ रहा है बार बार 14 प्रिंट सी की जगह पे, और वो वाला सोल्यूशन है जो 7 और 8 का आ रहा है. मैम ये तो 15 है. ये सॉरी 15 होता है, इनको भी प्रिंट नहीं किया. फिर हमारे पास 14 किधर से आ रहा है?
मैम 7 प्लस 5 12 और 7 माइनस 5 करके 2, तो 12 प्लस 2 14। हम लोग नया सा ले लेते हैं, आप सही कह रहे हैं आसान के कर्नल सब में वैल्यूज बफर हो रही हैं। रिफ्रेश कर लेते हैं। वैसे नॉर्मली होता यह है कि फंक्शन की बॉडी में जो चीज होती है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो बॉडी, क्योंकि हमने फंक्शन को डिफाइन किया होता है ना कि इस फंक्शन में ये चीजें हैं, इसमें ये चीज प्रिंट होके आएगी, बस वही हमारे पास उस फंक्शन को कॉल करने पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जा प्लीज बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है आपकी आवाज। ओके, अच्छा मैं बात ये कर रही थी, यहाँ पे हम एग्जाम्पल जो ली थी 7 और 8 की, तो हुआ क्या था कि 7 जो है वो उसने ए में स्टोर करवा दिया एंड देन बी में क्या स्टोर करवा दिया, 8। और इस लाइन की वजह से हिजाब वो लाइन कहाँ गई है? ओके, यहाँ पे जो हमने लाइन लिखी हुई थी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो बेसिकली उसने क्या किया कि ए में प्लस किया बी, 7 में प्लस किया 8 और देन स्टोर करवा दिया सी के अंदर। और जब मैंने कहा कि प्रिंट कर दो सी, तो उसने सी की वैल्यू प्रिंट कर दी जो कि आई 15। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है समझने के लिए बहुत बेस्ट, वो ये है कि हमारे पास फंक्शन था, स्टेटमेंट सेम थी, ठीक है, नो मैटर वो 10 स्टेटमेंट थी, 20 स्टेटमेंट थी, वो सारी की सारी वैसी ही रही, लेकिन सिर्फ आर्गुमेंट चेंज करने से मेरी आउटपुट चेंज हो गई। इस केस में भी अगर देखें, पहले 5 थी आउटपुट, तो मैंने सिर्फ आर्गुमेंट्स की वैल्यू चेंज की और मेरे पास जो है वो 15 आउटपुट आ गई। ये बिल्कुल इसी तरह है, अगर आप लोगों को याद हो जब हम फंक्शंस को रन करते थे, किसी एक लिस्ट को स्पेसिफाई करके हमने उसे सॉर्ट करना होता था, तो वही लिस्ट सॉर्ट होके आती थी। इसके अलावा अगर हमने किसी दो एलिमेंट्स का सम लेना था, तो सिर्फ उन्हीं का सम आता था, या कह लें पॉप करना था तो उसी एलिमेंट में से पॉप होती थी वैल्यू जिसको हमने एज अ पैरामीटर पास किया होता था, यहाँ डॉट लगाया होता था शुरू में ना पॉप के साथ, और यहाँ पे डॉट लगाया होता था, जो भी वैल्यू दी होती थी सिर्फ उसी में से वो पॉप आउट करता था। मतलब ये इनपुट चेंज होने की वजह से हमारी आउटपुट भी चेंज हो जाएगी, तो फंक्शन ये चीज होती है। हमने ये कह रहे थे कि रीदा का क्वेश्चन था कि अगर हम सी इक्वल्स टू ए प्लस बी फंक्शन से बाहर लिखते, जी जी, और हमें नहीं पता कि तो फिर किस तरह से आउटपुट आने चाहिए, तो अनएक्सपेक्टेडली हमारे पास 14 आउटपुट आ रही है। हम इस पे डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। ओके, आपने ए और बी को पहले वो तो नहीं एक्चुअलाइज तो नहीं करवाया वो कहीं, क्योंकि उस आप ना कुछ और यूज कर लें, सी इज इक्वल टू लेट्स सपोज एक्स प्लस जी कर लें, अगर आपने कहीं यूज नहीं किया हो ये वेरिएबल। मैं इन पैरामीटर्स को चेंज ना कर दूं क्योंकि ए और बी हमने काफी दफा किया हुआ है। नहीं, आप पैरामीटर को वही रहने दें, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलें करना है आपने कर ले, लेकिन पैरामीटर जो फंक्शन को पास दिए वो सिंपल वेरिएबल से डिफरेंट होंगे, उन्हें डिफरेंट डील करेंगे हम। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में चेंज कर दें वेरिएबल्स। ओके, ये मेमरीदा का क्वेश्चन है? यस मैम। जी मेमरीदा, आप प्लीज बताएंगी कि आप चाह क्या रही हैं, मतलब मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। आपने कहा ये जो लाइन है ये हम यहाँ पे लिखते हैं, देन मतलब मैम जब आप मैम को लिखवा रही थी तो आपने कहा था कि चाहे बॉडी के अंदर लिख दो या बाहर, मैं उसको क्लियर करना चाह रही थी कि क्या इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं। ओके, बॉडी के अंदर लिख दो या बाहर, आई डोंट नो कि मैंने इस चीज के बारे में बात की थी। ओके, मैंने प्रिंट के बारे में बात की थी, ठीक है ठीक है, मुझे याद आ गया। मैंने ये कहा था कि ये लाइन तो यही रहने देना, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि ए बी की वैल्यू ही नहीं अभी मेरे पास, मैं जब फंक्शन को कॉल कर रही हूँ ना तब वैल्यू पास कर रही हूँ। अगर मैं पहले ही लिखूंगी ना ए प्लस बी, आई डोंट नो ये 14 क्यों आंसर आ रहा है, पहले से शायद इनिशियलाइज हुए हैं इस वजह से। बाकी यहाँ पे उसने एरर देना था, उसने कहना था ए और बी की तो आपने वैल्यू ही नहीं बताई मुझे, मुझे क्या पता ए बी क्या है।
ओके मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, आपको पता है ये वर्क कैसे करेगा इंटरप्रेटर ना, ये फर्स्ट वाली लाइन को देखेगा, यहाँ पे डेफ ये लिखा होगा, इसे इग्नोर कर देगा, वो इसे बिल्कुल भी नहीं देखेगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये पूरे ब्लॉक को इग्नोर कर देगा, इस ब्लॉक को वो इग्नोर करेगा, सॉरी यहाँ ऊपर तक, ठीक है। देन यहां से वो पढ़ना स्टार्ट करेगा, सी इज इक्वल टू ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी। अब इस पॉइंट पे वो पता है कहाँ कंफ्यूज होगा, वो ये देखेगा कि ये जो दो वेरिएबल्स इन्होंने मुझे दे दिए हैं जिनका मैंने सम करके सी में स्टोर करवाना है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इन वेरिएबल्स में क्या स्टोर है, बिकॉज हमने कहीं भी नहीं लिखा कि इन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है। लेट्स सपोज आप आई डोंट नो, पहले रन करना चाहिए, हिजाब एक दफा रन करें इसे। ओके रीदा, फिर पता है क्या होगा, मैं इसकी बता रही थी वर्किंग कैसे करेगा। देन लेट्स सपोज मैंने ना यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया था, ए इज इक्वल टू जीरो कर दिया था, बी इज इक्वल टू वन कर दिया था, और जब ये लाइन आई उसने यहाँ भी वर्क कर लिया, उसने क्या किया सी में ए प्लस बी करके वन स्टोर करवा दिया। फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और उसे पता चलेगा ओके यहाँ तो इन्होंने एक फंक्शन कॉल कर लिया है, वो फोरी इस फंक्शन की बॉडी ढूंढेगा कि ये कहाँ लिखा था इन्होंने फंक्शन, इसके अंदर क्या लिखा था, मैंने वो रन करवाना है, वो एग्जीक्यूट करवाना है, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा है कि उस फंक्शन को बुला के लाओ। दैट्स व्हाई ये वापस इसके पास आएगा जिसे ये पहले इग्नोर कर गया था, फंक्शन को सिर्फ तभी देखेगा जब इसे कॉल किया जाएगा, एंड फिर वो वर्किंग होगी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पैरामीटर की वैल्यूज पास करेगा, ये ए को दे देगा, दूसरी बी को दे देगा, एंड देन सारी वर्किंग परफॉर्म करेगा और जो आउटपुट आएगी वो हमें रिटर्न कर देगा। ओके जब अभी आपने क्या किया है, जी यहाँ पे एरर आ रहा है, जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर सकती हैं। एक्चुअली जो हमने सी में वैल्यूज लिखी है ए प्लस बी, वो कह रहा है यस उसका प्रॉब्लम आ रहा है कि वो डिफाइन ही नहीं है। रीदा आपको समझ आई है, मेरा पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस मैम। बेसिकली मैंने पता है क्या कहा था, मैंने हिजाब को ये कहा था, तब बात हो रही थी ये प्रिंट सी लिखने की ना, तो मैंने उन्हें कहा कि आपने यहाँ तो लाइन लिख दी है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इट डजेंट मैटर कि आप जो है सी को यहीं प्रिंट करवा लें या आउट ऑफ द कह लें फंक्शन करवा लें, वेल नहीं, क्योंकि सी हमने यहाँ इनिशियलाइज करवाया तो वो उसकी कह लें हिजाब वो क्या वर्ड होता है ग्लोबल एंड लोकल के रिलेटेड, अगर आप एक फंक्शन को सिर्फ फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, वही इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ वही यूज कर सकते हैं, आउट ऑफ द फंक्शन आप यूज करेंगे तो एरर आएगा शायद। हिजाब एक दफा ये भी ट्राई करके देखिएगा, मुझे इतना कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी एक दफा ट्राई कीजिएगा। ओके प्लीज पार्टिसिपेंट्स, आप काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, आप प्लीज मुझे ये बताइएगा आप लोगों को ये बात सारी समझ आई है फंक्शन की, कि अगर एक फंक्शन को डिफरेंट पैरामीटर्स पास करते हैं यानी डिफरेंट वैल्यूज पास करते हैं तो वो आउटपुट भी डिफरेंट देगा हमें, बेशक हमारी लाइन ऑफ कोड्स वही है। मैं क्या करूं इसमें? मैम रिदा आपको भी क्लियर हो गया? ओके हिजाब रहने दें अभी के लिए। ओके मैम रिदा आपको क्लियर हो गया? यस मैम क्लियर है, थैंक यू। ठीक है आप प्लीज नेक्स्ट कोड ओपन कर लें। निम्रा चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, आप काइंडली देख लें। ओके जब मुझे नोटेशन एक सेकंड बस। जी सर नवीद, हम ले सकते हैं पैरामीटर एज अ इनपुट। हिजाब चले इस प्रोग्राम में हम सर नवीद देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है उस प्रोग्राम से पहले ही हमने बहुत कुछ उसे चेंज कर दिया है, तो अब इस प्रोग्राम में देखते हैं आपको समझ आ जाएगी। ओके बेसिकली यहाँ पे अच्छा कोई मुझे ये बताए इस फंक्शन में पैरामीटर्स कितने हैं, एनी पार्टिसिपेंट? जीरो मैम रिदा आपने? यस जीरो। ओके तो कोई मुझे बताना चाहेगा कि जब मैंने इस फंक्शन को कॉल करना हो तो मैं कैसे लिखूंगी?
मैम सिर्फ इसका नाम नाम लिखते कॉल करेंगे फंक्शन को, यस, और इसकी पैरेंथेसिस बिल्कुल एम्प्टी रहेंगे, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है? ओके, अहिदा इसे प्लीज एक दफा रन कर दें। कोई बताना चाहेगा इस फंक्शन में क्या होगा, जब जब मैं इसे कॉल करूंगी कैसे वर्क करेगा? मैम पहले वो यूजर से नेम और एज इनपुट में लेगा और फिर वो उसे प्रिंट कर देगा। ओके, यानी फंक्शन की फंक्शनैलिटी इतनी सी है, ऐसे ही? जी मैम। ठीक है, हिजाब आप इसे रन करें। इंटर योर नेम, और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ हमने इनपुट का फंक्शन यूज किया है इस पॉइंट पे। देन वो कह रहा है कि एज इंटर करें और वो भी इंटीजर में। बेसिकली जो भी हम इंटर करेंगे एक नंबर होगा, लेकिन वो एज ए स्ट्रिंग डील होगा। आप सबको पता है कि इनपुट का फंक्शन जो है, जो भी इनपुट लेता है वो उसे स्ट्रिंग डील करता है, तो देन वो इंटीजर में से कन्वर्ट कर देगा। और देन हमने कहा कि प्रिंट कर दो, उसने ये दोनों वैल्यूज प्रिंट कर दी। अच्छा, जब अब आप एक काम करें, आप ना ऊपर सिर्फ लिख दें प्रिंट नेम एंड एज, वैसे ही रहने दें, नेम और एज को वहां से कट करके ना फंक्शन की बॉडी से कट करके ना नीचे लिख दें, इस जगह पे लिखते हैं प्रिंट के बाद। एक सेकेंड, इसे वैसे ही रहने दें, इस लाइन को, ऊपर वाली जो दो लाइंस है ना नेम और एज, मैं ये चाह रही हूँ, हाँ जी, ये दोनों लाइंस जी, इनको फंक्शन की बॉडी के बाहर लिख देना, मैं ये चाह रही हूँ। कॉल करने के बाद? नहीं, कॉल करने से पहले, अदरवाइज वो एरर देगा ना, नेम और एज की वैल्यू ही नहीं होगी उसके पास। ओके, और एक और काम करें, ऊपर ना डेफिनेशन के फंक्शन जो है दो पैरामीटर उसे पास करते हैं, नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए एन करते हैं और एज को रिप्रेजेंट करने के लिए ए करते हैं, चलें। और नीचे जब आप आएंगी ना ये फंक्शन टू में, तो इसको भी दो पैरामीटर पास करते हैं, नेम एंड कॉमा एज। सर नवीद आप मीटिंग में हैं? ओके आई ओके सर नवीद आप बताना चाहेंगे कि इस फंक्शन में क्या होगा या इस प्रोग्राम में क्या वर्किंग हो रही है, कैसे वर्किंग हो रही है, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं कर देती हूँ। चले हम इसे देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले कोई मुझे बताया, इंटरप्रेटर इस लाइन को पढ़ेगा तो क्या करेगा? एक बार बॉडी से बाहर आता है। यस, वो इन सारी बॉडी को इग्नोर करता हुआ नेक्स्ट चला जाएगा। वो कहेगा ये फंक्शन है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, बेसिकली यूजर ने यहाँ लिखा था अपने काम के लिए, लेकिन जब वो इसे कॉल करेगा ना तब मैंने देखना है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, तो वो इग्नोर करेगा। देन वो इस लाइन पे जाएगा, और ये बेसिकली लाइन क्या कर रही है, यूजर से एक इनपुट ले रही है, वो भी नेम की। देन वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और फिर एक और इनपुट ली जा रही है जो कि एज है, ठीक है? ये दोनों इनपुट ले ली। देन नेक्स्ट लाइन पे पता है मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली फंक्शन के पैरामीटर पास कर दिए, वो नेम और एज। यहाँ पे बेसिकली नेम और एज वैल्यूज नहीं है, ये वेरिएबल्स है। तो जब हम लिखते हैं ना वेरिएबल यूज करते हैं, तो हम इनडायरेक्टली उनके अंदर मौजूद जो वैल्यू होती है उसे यूज कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज यूजर ने इंटर किया आई, लेट्स सपोज आई के जे, कुछ ऐसा उसने इंटर कर दिया नेम, तो हमारे पास इस नेम में आई जे के है, और लेट्स सपोज उसने एज जो है वो 100 ऐड की है, तो यहाँ पे 100 है। तो अगर मैं ये लिख रही हूँ ना नेम एंड एज, वो नेम एंड एज एज अ पैरामीटर नहीं ले रहा, वो ये वैल्यूज ले रहा है, और इन वैल्यूज को क्या करेगा, कोई बताना चाहेगा ये वैल्यू कहाँ स्टोर होगी और 100 कहाँ स्टोर होगा? पर्सनली मुझे लग रहा है आपको फंक्शन की समझ नहीं आ रही। मैम समझ आ रही है लेकिन मिक्स हो रही है चीजें। नो प्रॉब्लम, हमारे पास दो चीजें, हम इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा देखिए मेरी बात सुने,
अभी मैंने कहा था कि ये वाला जो फर्स्ट पैरामीटर होता है इसकी वैल्यू इसको असाइन हो जाती है फर्स्ट वेरिएबल को, और ये जो सेकंड होता है इसकी वैल्यू इसको असाइन हो जाती है। तो आप लोग मुझे बताएं नेम में क्या स्टोर है? एन स्टोर होगा मैम। नेम में ये वैल्यू स्टोर है जो यूजर ने इनपुट की ना, आई के जे, तो ये एन में स्टोर हो जाएगा जाके। और एज में क्या स्टोर है? 100, क्योंकि यूजर ने 100 लिखा था, और ए में हमारे पास 100 आ जाएगा। तो जब मैं कहूंगी कि नेम और एज को प्रिंट करो तो वो ये वैल्यूज प्रिंट कर देगा। लेट्स ट्राई इट, हिजाब इसे रन करें। आप लोगों को समझ आई? मैम वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं जी, जी मुझे ऐसा लग रहा था ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि क्यों? मुझे लगा कि हमने फंक्शन को डिफाइन करवाया है विद वेरिएबल एन एंड ए, आर्गुमेंट एन एंड ए, जबकि हम उसको कॉल करें विद नेम एंड एज, तो मुझे लगा तो ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन तब से हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं। हिजाब आप प्लीज स्क्रॉल अप कीजिएगा थोड़ा सा। अगर आप लास्ट एग्जांपल में देखें जहाँ पे मैंने पहले पास किया हुआ था ए और बी पैरामीटर फंक्शन को दिए हुए थे, लेकिन जब मैंने कॉल किया तो मैंने वैल्यूज पास कर दी 2 और 3, दैट्स अ फंक्शन। यही तो फंक्शन है कि उसके पास पैरामीटर जो है जब मैं उसे कॉल करूँ, उसे कोई भी वैल्यू दूंगी, उसने क्या करना है कि ये वैल्यूज इन वेरिएबल्स में जाके स्टोर करवा देनी है। जितनी दफा मैं फंक्शन को कॉल करूंगी, मैं डिफरेंट इनपुट के साथ कॉल करूंगी और वो इन वेरिएबल्स में स्टोर करवा के उन पे वर्किंग करेगा, एंड देन आउटपुट मुझे एक डिफरेंट नंबर दे देगा। अब आप अगर yes, ये कह रही हैं कि ए और बी लिखा है और हर दफा हम ए और बी लिख दें तो इस फंक्शन का क्या फायदा हमें? बेसिकली फंक्शन ये होता है कि लाइन ऑफ कोड्स है और वो वर्क भी एक स्पेसिफिक वर्क कर रही है, लेकिन जैसे मैं अपनी इनपुट चेंज करती हूँ मेरी आउटपुट भी चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर फंक्शन हमें ऐसी जरूरत होती है ना। जैसे अगर मैंने एग्जांपल्स भी आपको दी, सॉर्ट की, इंसर्ट की, अपेंड की, उसके बाद एक्सटेंड की, सारी वो एग्जांपल्स हैं जिसमें हम जब अपनी इनपुट चेंज कर देते हैं ना तो आउटपुट भी चेंज हो जाती है। क्योंकि अगर मैं कहूंगी कि आपने ना स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है, लेट्स सपोज मैंने कहूँ कि अली को सॉर्ट करना है, तो वो अली को ही सॉर्ट करके लाएगा, वो किसी और चीज को नहीं सॉर्ट करके ले आएगा। लेकिन जब वो फंक्शन डिफाइन किया गया होगा ना पीछे, तो उसके पैरामीटर में यहाँ अली नहीं लिखा गया होगा, कभी भी नहीं लिखा गया होगा। यहाँ लेट्स सपोज एक्स ए वाई बी कुछ भी रैंडम वेरिएबल लिख दिया गया होगा, और जब मैं उसे कॉल करूंगी विद अली तो इस ए को वो अली पास होगा एंड देन उस पर वर्किंग होगी। अगर हम ये कहते हैं ना कि जो पैरामीटर हमने फंक्शन में लिखा है सिर्फ उसी को यूज कर सकते हैं, तो फिर तो हम बहुत स्पेसिफिक हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे कि हम तो यही ए यूज कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ यूज ही नहीं कर सकते। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम, हो गया क्लियर। निम्रा, शैल वी डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास? हम 5 मिनट ऊपर दे चुके हैं, इससे पहले कि नेक्स्ट मीटिंग के होस्ट हमारी मीटिंग एंड कर दे, हम खुद एंड कर दें यहाँ पे। जी हिजाब, इंशाल्लाह कल भी हम फंक्शन को करेंगे। आप लोग प्लीज अपने एंड पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आइएगा, और जो क्वेश्चन हुआ या जो प्रॉब्लम हुई फिर वो करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हिजाब आपने कुछ कहा? मैं कह रही हूँ कि मीटिंग आप एंड कर सकती हैं। ओके हिजाब।